हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि ग्रामीण बैंक में मैनेजर्स को कितनी सैलरी होती है। लगभग अगर हम बात करके चलेंगे तो यहाँ पे पोजीशंस डिफरेंट होती है। कोई जूनियर, कोई सीनियर एडमिन होता है यहाँ पे सीनियर मैनेजर्स। तो जो कोई भी सीनियर मैनेजर से लगभग उसकी सैलरी भी अच्छी होगी एज कम्पेयर टू जूनियर मैनेजर्स। तो अगर मैनेजर पोस्ट चाहिए आपको तो लगभग कुछ साल के लिए आपको बैंक में काम करना पड़ सकता है। बैंक के सिनेरियो, कुछ बैंक की प्रॉपर्टीज है जो आपको समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपको ये पोजीशंस मिलती है। और अगर जूनियर बैंक मैनेजर की बात करूंगा ग्रामीण में, तो वहाँ पे लगभग सैलरी मिलती है आपको 39K के अक्रॉस। अगर हम बात करेंगे 2019 की, तो यहाँ पे 39 टू, अगर एवरेज पकड़ के चले तो 40K के अक्रॉस एक जूनियर बैंक मैनेजर को सैलरी मिलती है। और जो सीनियर बैंक मैनेजर है वो 85 टू 90K के अक्रॉस कमा लेते हैं गाइस यहाँ पे। सो होप कि जो कोई भी बंदा ग्रामीण बैंक में एज अ बैंक मैनेजर के जॉब कर रहा है, वहाँ पे अगर वो जूनियर पोजिशंस पे होगा तो लगभग उसका पैकेज 7 LPA होगा, 7 लैक्स पर एनम। और अगर ये बंदा यहाँ इस लेवल पे काम कर रहा है सो यहाँ पे उसका पैकेज 11 to 12 LPA हो सकता है। अभी यहाँ पे मैंने कोर सैलरी की बात की, इसमें मैंने इंसेंटिव्स ये चीज़ें ऐड नहीं की। अगर ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करते हैं तो बेशक इसकी सैलरी बहुत हाई रेंज पे जाती है गाइस। तो होप अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हो ग्रामीण बैंक में, तो बेशक आप एक अच्छी सैलरी पे जॉब कर सकते हो। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा गाइस। कुछ क्वेरी हो, कमेंट्स हो, तो आप बेशक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।